में लगातार आपराधिक वारदातों में प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी का तबादला झांसी कर दिया गया है। वहीं अलीगढ़ में तैनात रहे डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को कानपुर एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा 14 अन्य आईपीएस के भी तबादले किए गए हैं। हाल ही में एक वीडियो भी चलाया गया था जिसमें सवाल पूछा गया था कि पुलिस शीर्ष अफसरों पर कार्रवाई कब करेगी। दरअसल कानपुर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, फिर वह कानपुर का विकास दुबे कांड हो या फिर लैब टेक्नीशियन की किडनैपिंग और हत्या से जुड़ा मामला, इन दोनों ही घटनाओं को लेकर कानपुर सहित यूपी पुलिस पर जमकर सवाल खड़े हुए। अब कानपुर के एसएसपी रहे दिनेश कुमार पी का ट्रांसफर झांसी कर दिया गया है। बता दें कि कानपुर के लैब टेक्नीशियन मामले में आईपीएस समेत 11 लोगों को शुक्रवार को निलंबित किया गया था। इसके बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ था। वहीं तबादलों की लिस्ट में अमेठी से ख्याति गर्ग का भी नाम शामिल है। 2-3 मामलों में उनके खिलाफ शिकायत पहुंची थी। दूसरा हाल ही में लोक भवन के सामने महिलाओं के आत्मदाह वाला कांड भी हुआ था, उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। ख्याति गर्ग को लखनऊ का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं चित्रकूट में पुलिस उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदीप कुमार को अयोध्या का एसएसपी बनाया गया है। के सत्यनारायण को चित्रकूट रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। बस्ती रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष कुमार को लखनऊ पीएस मुख्यालय भेजा गया है। उधर दीपक रतन को अलीगढ़ रेंज का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र कुमार को खीरी के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। यशवीर सिंह को जालौन का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं आईपीएस दिनेश सिंह को अमेठी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। ये जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।